What's up, party people? My name is Aryan, and as you know, I'm a student from BITS Pilani Hyderabad campus. और आज मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया और मैंने नोटिस किया कि मैंने आप लोगों के लिए कैंपस टूर तो बनाया ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्योंकि ईयर ही ख़त्म हो गया तो लास्ट डे पे कैंपस टूर ही बना लेते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये है फ्रेशर्स का बॉयज़ हॉस्टल नंबर वन। फ्रेशर्स के हैं दो हॉस्टल, एक है ये गौतम भवन और ये दूसरा वाल्मीकि भवन। तो तुम्हारी जर्नी शुरू होगी यहाँ से। और गौतम भवन के बहुत बेनिफिट्स हैं। गौतम भवन के एकदम सामने तुम्हें मिल जाएगा ये टेनिस कोर्ट, बड़ा सा टेनिस कोर्ट, और ये है बास्केटबॉल कोर्ट एकदम सामने गौतम भवन के। और एक और जो एडेड बेनिफिट तुम्हें गौतम भवन के बगल में मिलता है वो है मालविया भवन, जो है गर्ल्स हॉस्टल, वो है एकदम बॉयज़ हॉस्टल गौतम भवन के एकदम बगल में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और जैसे ये दिखाया था स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर, वो भी एकदम बगल में है गौतम भवन के। तो सैक के और बास्केटबॉल कोर्ट के एकदम आगे तुम्हें मिलता है अपना ब्यूटीफुल सा फुटबॉल ग्राउंड। तो तुम्हें सैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी, जैसे पूल रूम है और चेस रूम है, कैरम रूम है खेलने के लिए, बैडमिंटन कोर्ट है, और जितने भी क्लब्स हैं यहाँ उनके रूम्स हैं, जैसे म्यूज़िक क्लब का रूम है, डांस क्लब का रूम है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लब का रूम है, और ड्रामेटिक्स क्लब का रूम है। बहुत सारी चीज़ें हैं सैक के अंदर करने को। और ये रहा अपना फुटबॉल ग्राउंड, एकदम शांति रहती है, एक्सेप्ट यू नो जब फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ तब एकदम माहौल देखने लायक होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पूरा हमारा स्विमिंग पूल जहाँ दिख रहा है, और वो उसके पीछे नेट्स के पास क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, और ये इतना बड़ा हमारा फुटबॉल ग्राउंड। उसके पीछे ये फैकल्टी क्वार्टर्स हैं, यहाँ फैकल्टी प्रोफेसर्स उनकी फैमिलीज रहती हैं यहाँ। यही ये है बास्केटबॉल कोर्ट, वो है टेनिस कोर्ट, और ये है अपना सैक। और एक और चीज़ जो यहाँ हॉस्टल के पास है, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के पास है, कनॉट प्लेस। दिस इज़ योर गो टू थिंग फॉर एवरीथिंग। यहाँ आपको हेयर कट से लेके अग्रवाल सुपरमार्केट से लेके प्लेजेंट छोटा सा रेस्टोरेंट से लेके चाट से लेके स्टेशनरीज से लेके बुक स्टोर, ये फ्रूटफुल छोटा सा स्टोर है जहाँ आपको अंडे ब्रेड ऑमलेट ये सब मिल जाता है। बुक्स सिंडिकेट में यहाँ बुक्स बिकती हैं जो भी कोर्स की हैं। और ये है स्टेशनरी, वो है हेयर कट की दुकान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ब्यूटी पार्लर से लेके एक और स्टेशनरी, दो दो स्टेशनरी, सुपरमार्केट से लेके ड्राई क्लीनिंग, मेडिकल स्टोर, एटीएम। तो सीपी में आपको सब कुछ मिल जाता है जो आपको कभी भी अपने 4-5 साल में ज़रूरत पड़ सकती है। और सीपी के बगल में ही है मेडसी, क्योंकि ये है मेडिकल सेंटर। अगर आपको छोटी सी कोई चोट लग जाए तो ड्रेसिंग के लिए, और छोटी बड़ी सब कुछ। ये रही इसकी एम्बुलेंस, आपको इधर एम्बुलेंस सर्विस भी मिल जाती है। इधर मेडिसिन में आपको सब कुछ मिलता है, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जो चाहो सब कुछ मिलता है। और कभी ऐसा कोई पैर टूट गया कि आप चल के नहीं आ सकते तो यहाँ आपने जैसे देखे एम्बुलेंस है, आप बुला सकते हो उन्हें। और ये व्हीलचेयर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको व्हीलचेयर देते हैं जिससे आप क्लासेस अटेंड कर पाओ और करिकुलम के अंदर फिट बैठ पाओ जब तक आपको ज़रूरत है। और कभी कभी आपको कहीं से कहीं जाना हो इमरजेंसी और आपका पैर टूटा हो तो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ द एम्बुलेंस। तो मेडसी और आपको मेडिकल रिलेटेड इधर हर सुविधा मिलेगी। और इन फ्रेशर्स हॉस्टल के पास जैसे गौतम बॉयज़ के लिए और मालविया गर्ल्स के लिए पास हैं बहुत सारी ईटरीज, जैसे छोटी मोटी भूख के लिए ये है हॉटस्पॉट जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी मैगी मिलती है। पर कॉस्टली भी होती है, इतना बड़ा मेन्यू है, आपको रात के 2 बजे तक यहाँ तक मैगी मिल जाएगी। ये है अमूल, वो तो पता ही है किस लिए होगा, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ों के लिए। और ये है विजयवाइन, आपको 3 ईटरीज मिलेंगी इधर, आपको ज़्यादातर खाना मिलेगा जैसे कि सब्जी रोटी ये सब। तो ये आपको 3 ईटरीज फ्रेशर्स हॉस्टल के पास मिल जाएंगी। और ईटरीज के जस्ट सामने आपको मिलता है वॉलीबॉल कोर्ट, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 2 नेट का बड़ा सा वॉलीबॉल कोर्ट,
और उसके एकदम सामने आपको दो ग्राउंड्स मिलते हैं जिसपे अभी ये कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसे फैंसीली कहते हैं ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड। और इसे कहते हैं ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड या हॉकी ग्राउंड। जो मैंने आपको हॉस्टल के पास फुटबॉल ग्राउंड दिखाया था उसे कहते हैं एनएफजी या न्यू फुटबॉल ग्राउंड, और इसे कहते हैं ओएफजी या ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड। अच्छा, हमको सिखा रही है। क्योंकि यहाँ अभी हॉकी खेला जाता है, क्योंकि इधर पहले फुटबॉल खेला जाता था उस ग्राउंड के आने से पहले, और वो आपको दिख रहा है उसे कहते हैं ओल्ड हॉकी ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पहले हॉकी खेला जाता था। उस स्टेज पे अभी परफॉर्मेंसेस होती हैं, होली की सेलिब्रेशंस होती हैं और फ्लैग होस्टिंग और वगैरह वगैरह छोटी मोटी परफॉर्मेंस होती हैं वहाँ। तो हमारे यहाँ दो मेसेज हैं कैंपस पे, एक है मेस वन और एक है मेस टू। मेजॉरिटी लोग मेस वन को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका खाना अच्छा है, और हमारे जो इतने अच्छे हॉस्टल्स हैं उनके पास भी है, जैसे गौतम हो गया और मालविया हो गया। तो ये रहा मेस वन, और उसके एकदम बगल में आपको ये रास्ता जाता है मालविया जो गर्ल्स हॉस्टल, पीछे वाला रास्ता। और इसके एकदम बगल में ये है गांधी भवन जो है थर्ड ईयर राइट्स के लिए हॉस्टल। इसके एकदम ऑपोजिट कहते हैं ये है कृष्णा भवन जो है थर्ड ईयर का एक और हॉस्टल। जैसे ये है थिक्शेक फैक्ट्री, इधर आपको पूरे कैंपस में इधर ही आपको थिक्शेक्स मिलेंगे और छोटे मोटे स्नैक्स। और ये है यम्पीज जो है एकदम थिक्शेक फैक्ट्री के बगल में। और इधर आपको ये भी रात 2 बजे तक खुली रहती है, इधर आपको नूडल्स मिलते हैं, मैगी मिलती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कभी आपने लंच मिस कर दिया तो इधर राइस बॉल्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है यम्पीज पे। तो जनरली अगर आपको हॉटस्पॉट से मैगी नहीं खानी है तो लोग इधर आ जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने को इधर मिल ही जाता है अगर मेस पे नहीं खाना आपको। और ये है चिपोटले, इधर आपको डोसास मिल जाते हैं और ऐसे थोड़े बहुत चाइनीज़ आइटम मिल जाते हैं। इधर कोई ज़्यादा नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, पर ये भी एक ऑप्शन है अगर आप ट्राई करना चाहते हो। और ये थी मेस वन के पास 3 ईटरीज, जो अगर आपको कभी खाना नहीं है मेस का तो आप इधर से खा सकते हो। ये थी गौतम बॉयज़ हॉस्टल के पास, ये सब मेस वन और सैक बास्केटबॉल कोर्ट ये सब बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के पास थे। वो बॉयज़ फ्रेशर्स का एक और हॉस्टल है वाल्मीकि। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और वाल्मीकि को अप्रोच करते हमें बीच में पड़ता है मेस टू, जिसके पास भी सामने 3 ईटरीज हैं जो उतनी पॉपुलर नहीं है बट दे आर एट योर डिस्पोजल। एक है चाय कॉफ़ी कंपनी जिसे बोलते हैं C3, एक है SFC और एक है विच प्लीज। विच प्लीज पे आपको सैंडविचेस मिल जाएंगे। सारे ईटरीज जनरली रात को 2 बजे तक खुली होती हैं, आपको सैंडविचेस विच प्लीज पे मिल जाएंगे। आपको केक या ऐसा कुछ सेलिब्रेशन के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक ऐसा कुछ चाहिए तो वो आपको चाय कॉफ़ी कंपनी या SFC पे मिल जाएगा। अभी क्योंकि ये लास्ट डे है तो अभी के लिए ये ईटरीज बंद है। जैसे ये है चाय कॉफ़ी कंपनी और ये लोगों की सेलिब्रेशन चल रही है, जैसे SFC है किसी का बर्थडे है तो ये सेलिब्रेशन चल रही है। इधर इन्हें SFC से केक खरीदा होगा। और ये है विच प्लीज जहाँ आपको सैंडविचेस मिल जाएंगे। और इन तीनों ईटरीज के एकदम सामने है मेस टू। मेस टू जैसे मेस वन के सामने 2 हॉस्टल थे, वैसे मेस टू के सामने भी 2 हॉस्टल हैं। एक है ये शंकर भवन जो थर्ड ईयर बॉयज़ हॉस्टल है, और एक है ये जाज भवन जो भी एक थर्ड ईयर बॉयज़ हॉस्टल है। मेस टू का खाना जनरली इतना अच्छा नहीं है और अच्छा अंदर से अच्छी भी नहीं दिखती, इसलिए लोग मेस वन को प्रेफर करते हैं। तो मेस टू से अगर आपको जो दूसरा हॉस्टल है वाल्मीकि, जो दूसरा फ्रेशर्स बॉयज़ हॉस्टल है, जाना है तो ये पतली गली के थ्रू जाना पड़ता है। थोड़ा कच्चा रास्ता है आगे, पर हॉस्टल वाल्मीकि बहुत इक्विप्ड है। और ये है वाल्मीकि भवन, कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड एंट्रेंस है इसकी, और होनी भी चाहिए क्योंकि इसकी कैपेसिटी है अराउंड 700 to 800 बॉयज़। जो भी फ्रेशर्स बॉयज़ आते हैं इन्हें जनरली वाल्मीकि में पहले अलॉट किया जाता है, कि बहुत बड़ा हॉस्टल है। और ये है एकदम मेन गेट के पास और मेस टू के पास। तो जो भी फ्रेशर्स बॉयज़ आएंगे उन्हें पहले वाल्मीकि अलॉट किया जाएगा, फिर जितने भी लोग बचेंगे उसमें से, क्योंकि अराउंड फ्रेशर्स बॉयज़ हमारे बैच में अराउंड 1100 बॉयज़ थे फ्रेशर्स, तो पहले 700-800 लोगों को वाल्मीकि अलॉट किया गया।
उसके बाद जितने भी 200-300 लोग बचे उन्हें गौतम अलॉट किया, क्योंकि गौतम की लोकेशन परफेक्ट है पर गौतम की कैपेसिटी सिर्फ अराउंड 230 ऐसा कुछ है। तो गौतम में लोग कम हैं पर लोकेशन परफेक्ट है, वेयरएज वाल्मीकि में लोकेशन होती अच्छी नहीं है पर लोगों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, बहुत सी अतरंगी चीज़ें जो आपको कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, मेजॉरिटी ऑफ देम हैपेंस इन वाल्मीकि। गौतम के लौंडे भी कुछ कम नहीं है पर फिर यू गेट द आइडिया। वेयरएज गर्ल्स की सिचुएशन ये है कि उन्हें जनरली फर्स्ट ईयर में मालविया अलॉट किया जाता है और फिर सेकेंड ईयर में भी उन्हें मालविया ही मिलता है क्योंकि मालविया है बहुत बड़ा, तो मालविया ही मिलता है। और जैसे इस साल जो इंटरनेशनल गर्ल्स थी जो डासा मेथड के थ्रू आई थी उन्हें मालविया की जगह मीरा अलॉट किया गया था, विच इज़ जनरली फॉर थर्ड ईयर गर्ल्स। और ये मालविकी के एकदम सामने है, इसे कहते हैं लवर्स लेन। वैसे कुछ ज़्यादा होता नहीं है लवर्स लेन पे, पर ये है एकदम मेन गेट से डायरेक्ट वाल्मीकि भवन के लिए स्ट्रेट रास्ता है। पता नहीं इसे लवर्स लेन क्यों कह रहे हैं, कि जो भी असली चीज़ें जो लवर्स लेन पे होनी चाहिए होता है R&D पे। समझ रहे हो ना। लवर्स लेन से स्ट्रेट आगे चलते चलते आओ तो आपको मिलता है मेन गेट। ये रहा हमारा मेन एंट्री गेट। वहाँ बस दिन में 4 बार आती है, सुबह 9 और 10 बजे और शाम को 5 और 6 बजे, कभी आपको सिटी में जाना हो दोस्तों के साथ तो। और ये है उसके पीछे, और ये आपको जो लाल लाल दिख रहा है वो है हमारा असली अकैड ब्लॉक। तो अकैड ब्लॉक में हमारी रोज़ की क्लासेस होती हैं, उसे जनरली F ब्लॉक, D ब्लॉक और A ब्लॉक, B ब्लॉक ये सब कंबाइन करके उस पूरे को अकैड ब्लॉक बोलते हैं। उधर एवरी सारी लैब्स होती हैं, उधर लेक्चर हॉल्स होते हैं, ट्यूटोरियल आर्ट्स के सेक्शंस होते हैं, एग्ज़ाम्स उधर होते हैं। तो हाँ, आपका असली स्टडी का अड्डा अकैड ब्लॉक है। और उस अकैड ब्लॉक के बगल में आपको मिलती है ये बड़ी सी अपनी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के पीछे वो है ऑडिटोरियम। और जैसे बोली थी ये लाइब्रेरी है, उसके बगल में आती है ये रोड जो सीधा जाओ तो गौतम और मालविया के पास कनेक्ट होती है, और इसे कहते हैं R&T, द रोड नॉट टेकन। इसे कहते हैं द रोड नॉट टेकन बिकॉज ये रोड बहुत लंबी है, पर जो चीज़ें लवर्स लेन पे नहीं होती हैं वो रोड नॉट टेकन पे होती हैं। प्यारी समझ गई। और ऑडिटोरियम के एकदम पीछे है द न्यू अकैड ब्लॉक। इधर जब तुम सेकंड थर्ड ईयर में आ जाओगे या तुम्हारी जब ब्रांच वाइज क्लासेस होने लगेंगी, तब तुम्हारी क्लासेस ओल्ड अकैड में होने की जगह जहाँ सब फ्रेशर्स की क्लासेस मेनली होती हैं न्यू अकैड में होंगी। और न्यू अकैड के एकदम बीचों बीच आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा द ह्यूमन चेस कोर्टयार्ड। ये लाइव चेस कोर्टयार्ड है जहाँ हम लोग कभी कभी रात को जब बोर हो जाए तो फिर चेस खेलने आ जाते हैं। क्या माल है यार। है अकैड ब्लॉक की एंट्रेंस जहाँ आपकी सारी क्लासेस होंगी, लाइब्रेरी इधर से जा सकते हो और डिप्रेशन का एक बड़ा सखर। हमने हॉस्टल के पास और मेस और इन सब के पास तो देख लिया कि अगर मेस का खाना नहीं खाना तो बहुत सारी ईटरीज हैं, पर यहाँ अकैड ब्लॉक में अगर किसी को भूख लगे पूरे अकैड ब्लॉक में सिर्फ एक कैफेटेरिया है। तो अगर किसी को इतनी दूर हॉस्टल तक नहीं चलना है तो दिस इज़ द ओनली वे, कैफेटेरिया। तो ये हमारा कैफेटेरिया है जहाँ हमें ब्रेकफास्ट, लंच और शाम के स्नैक आइटम्स मिलते हैं। और कैफेटेरिया के एकदम सामने है ये है कैफ़े कॉफ़ी डे, जहाँ हमें छोटे मोटे स्नैक्स और कॉफ़ी मिल जाती है पूरे दिन में। अभी बंद है लेकिन दिन में खुली रहती है। तो ये रही अपनी लाइब्रेरी, इसके एकदम सामने ये है अपना बड़ा सा स्टेज। ये है असली स्टेज जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो आते हैं इधर होते हैं इनके कॉन्सर्ट्स। फिर आगे बढ़ते हुए ये है अपना बड़ा सा ऑडिटोरियम, और ये है हमारे कैंपस का सबसे बड़ा लेक्चर हॉल जहाँ लोग अपनी मरवाने मतलब डिप्रेशन लेने आते हैं। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता। चलो बाहर चलते हैं जिससे पहले मैं अपने मार्क्स देखकर रो दूँ। और हॉस्टल से नकाट ब्लॉक जाते बीच में बड़ा सा ही गार्डन पड़ता है, इसे हम कहते हैं रॉक गार्डन। और
इसी के साथ होता है हमारा बिट्स हैदराबाद का कैंपस टूर खत्म। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के।